dear students in this topic we shall discuss the urine concentrating mechanisms you know that mammalian kidneys can produce hypertonic urine as compared to the blood plasma this is because of the presence of loop of henle that has central importance in producing concentrated urine the efficiency of water reabsorption in the loop of henle ज ड्यू टू ए काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन दिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप काउंटर करंट एक्सचेंज हैपन्स बिकॉज बोथ लिम्ब लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आर सेपरेटेड बाई ए पेरी ट्यूबुलर फ्लूट दो लिम्ब्स हैं एक दूसरे के पैरल हैं और दोनों के दरम्यान में एक फ्लूएड है जिसे हम पेरी ट्यूबुलर फ्लूड कहते हैं जो फिल्ट्रेट है यह दोनों लिम्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है पहले डिसेंडिंग लिम्ब आती है और फिर असेंडिंग लिंब आती है इस तरह से फ्लूएड जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है इन बोथ लिम्स ड्यूरिंग दिस फ्लो एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड साल्ट अकर्स बिटवीन दी फिल्ट्रेट इन दी टू लिम्स एंड दैरिट्यूबुलर फ्लूड दोनों लिम्स में वाटर और सोल्यूट्स हैं वो और पेरिट्यूबुलर फ्लूएड जो है इनमें एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूड्स होता है दिस एक्सचेंज इज रेफर्ड टू एज काउंटरक्रंट एक्सचेंज चूंकि ये बहुत ज्यादा मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट रखता है इसलिए इसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं Now we shall discuss the mechanism of counter-plant multiplication. The two parallel, lim uh, parallel limbs of the loop of Henle have different permeability characteristics. Descending limb is permeable to water but it is impermeable to solutes. Water moves through its wall out into the peritubular space. यह वाटर के लिए परमिएबल है इसलिए वाटर इसमें से बाहर निकलता है और पेरिट्यूबुलर स्पेस में आ जाता है एज ए रिजल्ट फिल्ट्रेट इन इट बिकम्स हाइपरटोनिक दिस फिल्ट्रेट, दैट इज हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट एंटर्स दसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिंब इज इम टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू सोल्यूट इसलिए इसमें से वाटर बाहर नहीं निकलता बल्कि इसकी बजाय इसमें से साल्ट यानी के सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयंस दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट एंड दे आल्सो कम इन टू पेरिट्यूबुलर फ्लूएड ये जो पेरिट्यूबुलर फ्लूड है या पेरिट्यूबुलर स्पेस है जिसमें फ्लूएड है इसमें जब आयंस इस तरह से एंटर होते हैं तो इट बिकम्स हाइपरटोनिक जब ये हाइपरटोनिक होता है तो इट क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर मोर वाटर कम्स आउट ऑफ द डिसेंडिंग लेम इन टू पेरिट्यूबुलर स्पेस एज ए रिजल्ट फिल्ट्रेट इन द डिसेंडिंग लेम बिकम्स मोर हाइपरटोनिक जो मोर हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट है जब ये असेंडिंग लेम में जाता है तो इट स्पीड्स अप पंपिंग आउट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आय इन टू पेरिट्यूबुलर फ्लूट नतीजा ये कि ये इस तरह से ये काउंटर करंट फ्लो बन जाता है विच मल्टीप्लाइज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पहले साइकिल में भी हाइपोटोनिक हुआ लेकिन दूसरे साइकिल में मोर हाइपोटोनिक और इस तरह से जू जू फर्दर साइकिल चलते हैं ज्यादा हाइपरटोनिक होता चला जाता है पेरिट्यूबुलर ट्यूबुलर फ्लूड और एज ए रिजल्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से ज्यादा से ज्यादा वाटर रिमूव होता चला जाता है जे काउंटर करंट फ्लो है इट मल्टीप्लाइज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन ट्यूबुलर फ्लूएड एंड इंटरस्टिशियल स्पेस एज ए रिजल्ट ऑस्मोटिक रिमूवल ऑफ मोर एंड मोर वाटर आउट ऑफ द फिल्ट्रेट हैपन्स Dear students, this water is absorbed back into the circulatory system through the capillaries, that is, vasa recta, which surround the loop of Henle. The amount of water reabsorbed and the concentration of urine is controlled by antidiuretic hormone. कितना वाटर और कितने सॉल्यूट्स जो हैं वो रिमूव uh, करने हैं या अब्जॉर्ब करने हैं ये एंटी हार्मोन कंट्रोल करता है बिकॉज इट इंक्रीजेज दॉटर परमेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स